चुनाव में धर्म की राजनीति जोरों पर है। कुछ समय पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। इस चुनाव में धर्म से संबंधित हिजाब का मामला गंभीर रहा था। अब धर्म का मामला कर्नाटक में भी गंभीर होता नजर आ रहा है। दरअसल कर्नाटक में अभी हिजाब मामले पर बवाल खत्म नहीं हुआ कि एक और धार्मिक विवाद पैदा करने वाला मामला फिर से सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि तटीय कर्नाटक में कुछ अज्ञात लोगों ने एक विवादित बैनर लगाकर मंदिर में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये लोग दक्षिण पंथी हिंदू समूह के सदस्य हैं। जानकारी तो ये भी है कि हिजाब पर आए फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था, इसलिए मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। आपको बताते चलिए कि मेले में हर साल करोड़ों का व्यापार होता है। इन मंदिरों में वार्षिक उत्सव या मेले का आयोजन आमतौर पर अप्रैल में होता है। इस दौरान लाखों लोग मंदिर जाते हैं, इसलिए करोड़ों रुपए का व्यापार भी होता है। अब देखना यह होगा कि ये धर्म विवाद आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।